Students, see here, in the last two videos I have discussed rate of change of quantities, this topic under applications of derivatives. In this chapter, applications of derivative, we have discussed in the introduction session that we are going to discuss these five topics in the whole chapter. First one, rate of change of quantities, then increasing and decreasing functions, tangents and normals, approximations and maxima and minimum. Rate of change of quantities पर मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, but अभी CBSE ने जो guidelines जारी की हैं और जो नया syllabus discuss किया है उसमें ये rate of change of quantities and approximations ये दोनों को deleted portion में रखा है. इट मीन्स कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये थ्री टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे. मीन्स अभी जो मैंने लास्ट दो वीडियोस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे आपसे डिस्कस किए हैं वो अब बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आज नया टॉपिक ले रहा हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है, फिर अब हम ये तीनों टॉपिक ही नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन सब नहीं देखेंगे. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. अब आप देखिए इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है. फर्स्ट अगर मैं बात करूं, आप देखिए मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं. एक ग्राफ ऐसे बनाता हूं और एक ग्राफ ऐसे बनाता हूं. सो आप देखिए जब किसी भी फंक्शन में वैल्यूज जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सीधे फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है और यहां पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है. इसलिए यहां हम डायरेक्टली देखकर कह सकते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक और ग्राफ की, जो कि यहां माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू है. ठीक है, और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन ही है. तो ये जो पैराबोला का फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आप अगर यहां पर देखेंगे तो जब माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ ये फंक्शन आ रहा है तो ये फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब ये फंक्शन जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. सो ये एक ही फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मींस माइनस इनफाइनाइट टू जीरो की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं बात करूं जीरो टू इनफाइनाइट की तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर सबसे जरूरी इंटरवल्स पर ध्यान देना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कोई फंक्शन डिक्रीज भी हो सकता है और वही सेम फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर इंक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर हम लोग साइन फंक्शन की बात करें, इट इज साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो देखिए ये जीरो टू पाई देन टू पाई, ये फंक्शन आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस फंक्शन को जब आप देखेंगे तो
ये जो पाई बाय टू है, सो यहाँ पर देखिए वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है और पाई बाय टू पर यहाँ होती है वैल्यू, और फिर पाई पर वैल्यू यहाँ आ जाती है। इट मीन्स जीरो टू पाई बाय टू के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और पाई बाय टू से पाई के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक ही फंक्शन है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। जैसे आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये जीरो टू पाई बाय टू पे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर आप देखेंगे तो पाई बाय टू से पाई के बीच में ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए यहां पर इन ग्राफ्स के थ्रू हम ये समझना चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। तो यहां पर हमें ये देखना है कि आप देखिए जैसे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में अगर मैं ग्राफ की बात करूं, सो अगर हम इसी साइन एक्स फंक्शन की बात करें, सो यहां पर हम तीन कंडीशन डिस्कस करते हैं। एक, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, आप जानते हैं टेंजेंट मीन्स एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो अगर मैं इस टेंजेंट की बात करूं तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस टेंजेंट की बात करूं तो इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं यहां पर इस टेंजेंट की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहां पर स्लोप जीरो है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं यहां पर अभी अगर मैं m इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसे कि हम 11th क्लास में स्लोप पढ़ चुके हैं, अगर मैं इसी स्लोप को यहां पर f डैश x से रिप्रेजेंट करूंगा 12th लेवल पर, जो कि dy by dx भी होता है, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होगा? स्लोप होगा, और इसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप सिर्फ इससे ध्यान रखिएगा कि ये जो f डैश x की वैल्यू है, अगर ये f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्लोप से मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ये स्लोप है हमारा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो हम कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, मतलब कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हम लोग देखते हैं ग्राफ के थ्रू, इसलिए समझ रहे हैं, ये ग्राफ एग्जाम में नहीं आते हैं, ग्राफ नहीं पूछते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, इसलिए ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर मैं फोर फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं,
अब आप देखिए, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल देखना है, तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के बीच का फंक्शन है जिसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये वैल्यू ए और ये बी की है, ठीक है। और जब भी यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के इस टॉपिक में, तो हमेशा ओपन इंटरवल की ही बात करेंगे, मीन्स उसमें ए और बी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ये ए और ये बी। अब आप इन चारों फंक्शंस को देखिए, यहां से देखिए ये वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन में हम क्लियरली बता सकते हैं कि यहां पर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप यहां देखेंगे इस वैल्यू को, तो इस पर्टिकुलर ए से बी के इंटरवल के बीच में ये एक इंटरवल ऐसा है जहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, एक जैसी है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर फंक्शन की वैल्यू है, इट मींस कि एफ डैश एक्स जो हो रहा है वो जीरो भी हो रहा है। और यहां पर यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इट मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो रही है। अभी हमने देखा यहां पर कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो इंक्रीजिंग होगा। सो इट मींस व्हाट कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जीरो भी हो रही है और इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रही है। इट मींस अगर मैं इसको कंबाइंडली लिखूं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो रही है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अगर वैल्यू हो रही है तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे कहूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप यहां आ जाइए, इसमें आप देखिए यहां वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस टाइम पीरियड में, लेकिन बीच में एक टाइम इंटरवल ऐसा आ रहा है कि जहां पर वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है। यानी यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लेस देन जीरो है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल भी है। इसलिए अगर मैं इसको कंबाइंडली लिखना चाहूं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो हो रही है, तो मैं इस फंक्शन को कहूंगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब आप यहां देखिए, यहां इस पूरे टाइम इंटरवल में कहीं भी कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है और कंटिन्यूअसली फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है। तो क्योंकि इसमें सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है और हमेशा वैल्यू जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, नॉट अ सिंगल टाइम इट इज इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो। सो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसलिए इसे हम इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओके, और अब यहां देखिए, यहां पर ए से बी के बीच में फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, कहीं भी वैल्यू कांस्टेंट या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए हमेशा एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो ही है, किसी भी मोमेंट पे इक्वल टू जीरो नहीं है। इसलिए इसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू कहेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे जहां आपको बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वो सारी वैल्यूज डिपेंड करेगी एफ डैश एक्स, यानी जो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है जिसे हम स्लोप कह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब आप देखिए, इसमें एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जो हमने पहले डिस्कस किया अभी, जहां
जीरो से पाई बाय टू पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और पाई बाय टू से पाई पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमसे पूछ लिया कि फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन जीरो टू पाई पे क्या है, जीरो टू पाई बाय टू पर पूछा, तो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर पाई बाय टू टू पाई पूछ लिया तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर इंटरवल जीरो टू पाई पे पूछ लिया, तो क्योंकि जीरो टू पाई के बीच में तो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जब फंक्शन इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आप कहेंगे कि जब फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो फिर नाइदर और नॉर क्यों लगा रहे हैं कि ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहां ये बताना है कि क्या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों में से क्या है वैल्यू। लेकिन यहां पर न तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है और न ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, पर फंक्शन कोई एक ही वैल्यू या कोई एक ही तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए हम स्ट्रिक्टली ये नहीं कह सकते कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाली कंडीशन यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जब फंक्शन पूरी तरह से न तो इंक्रीज होगा और न ही पूरी तरह से डिक्रीज होगा, इसलिए उसे हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड, कि इन सारी कंडीशंस को लेकर। और ये पूरा इंट्रोडक्शन था पार्ट, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव्स, उन 20 ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ग्राफ देकर और आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चंस तो ग्राफ पर बेस्ड कभी नहीं आते बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये इंट्रोडक्शन दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन कॉस स्क्वेयर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब आप देखिए कि अभी हम चारों कंडीशंस देख चुके हैं, उन चारों कंडीशंस की बेस पर आपको ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू में अगर इक्वल टू आता है तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, और अगर इक्वल टू नहीं आता है तो स्ट्रिक्टली वर्ड हम लगाएंगे। इट मीन्स ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है, इसमें वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो होगी, इक्वल नहीं आएगा, ये हम समझ सकते हैं। सो अब हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स है, सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फर्स्ट दैट एफ एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स एफ डैश एक्स करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा 2 cos x, और चेन रूल से कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x, सो इट विल बी 2 sin x cos x हो जाएगा, और इसे मैं लिख सकता हूं -sin 2x। सो द डेरिवेटिव इज -sin 2x। अब आप देखिए, हम अगर 0 to π/2 इंटरवल की बात करें, -sin 2x ऑन 0 to π/2, और क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है इसलिए इसमें 0 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, मीन्स 0 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि साइन में जो वैल्यूज होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स 0 से 1 के बीच में ही रहेगी हमेशा वैल्यू। ठीक है, और क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है इसलिए साइन 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, सो साइन 0 नहीं रहेगा, इट मीन्स वैल्यू 0 नहीं रहेगी, लेकिन 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0 से +1 के बीच में।
और जब जीरो से पॉजिटिव वन के बीच में रहेगी मीन्स हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी ये साइन टू एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. हम लिखेंगे साइन टू एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 to π/2. और क्योंकि ये साइन 2x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव होने पर, क्योंकि यहां पर एफ डैश एक्स में पहले ही निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए एफ डैश की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी. सिंस साइन 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 to π/2, देयरफॉर एफ डैश एक्स is always negative in 0 to π/2. और क्योंकि 0 से π/2 के बीच में f dash x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी. सो f dash x की वैल्यू हमेशा निगेटिव है, इट मीन्स फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. therefore f dash x is less than 0. और मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका कि यहां अगर इक्वल आता है तो सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात होती है, इक्वल. लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर स्ट्रिक्टली की बात होगी हमेशा. सो क्योंकि ये सिर्फ लेस देन जीरो है, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, बट यहां पर इक्वल टू जीरो नहीं है इसलिए यह होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज. टू क्वेश्चन आर देयर. फर्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π. देखिए कैसे. सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. लॉग एक्स होता है 1/x, सो इट विल बी 1/sin x एंड d/dx ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा. अब आप देखिए, इंटरवल जो है वो हमें 0 to π/2 और π/2 to π देकर रखा हुआ है. सो कॉटेक्स की वैल्यू अगर हम देखें, सो कॉट जीरो, आप देखिए कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और कॉट 90 की वैल्यू, मैं अगर 0 to π/2 की बात करूं, सो कॉट जीरो होता है इनफाइनाइट और कॉट 90 की वैल्यू होती है 0. ठीक है, मींस इनफाइनाइट टू 0. और इनफाइनाइट टू 0 अगर वैल्यू है तो मतलब हमेशा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. इनफाइनाइट से 0 के बीच में वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है. और उसमें 0 और π/2 दोनों ही शामिल नहीं है, लेकिन बीच की सारी वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी. और अगर हमेशा पॉजिटिव होंगी तो 0 से π/2 के बीच में फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि कहीं भी वैल्यू 0 नहीं हो रही है फंक्शन की, क्योंकि यहां पर π/2 इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है. और ओपन इंटरवल में क्योंकि π/2 इंक्लूड नहीं है इसलिए कभी भी इस फंक्शन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा इनफाइनाइट से 0 के बीच में ही होगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज
ग्रेटर देन जीरो सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ऑन जीरो टू पाई बाय टू. देयरफोर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब देखिए यही सेम एफ डैश एक्स ही रहेगा डेरिवेटिव तो. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स ही रहेगा. लेकिन अब जो इंटरवल है वो इंटरवल पाई बाय टू टू पाई है. जब हम पाई बाय टू टू पाई की बात करते हैं तो कॉट पाई बाय टू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी. और अगर मैं कॉट पाई की बात करूं तो आप देखिए यहां पर पाई बाय टू टू पाई, ये देखिए ये यहां जीरो से स्टार्टिंग है, ये पाई बाय टू है और ये पाई है. तो पाई बाय टू से पाई के बीच में अगर फंक्शन की वैल्यू है तो साइन और कॉसेक प्लस बाकी सभी माइनस, साइन और कॉसेक प्लस बाकी सभी माइनस, यानी ये कॉट जो है ये माइनस होगा. तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी. ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा निगेटिव आएगी. इसलिए जो वैल्यू होगी पाई बाय टू से पाई के बीच में वो हमेशा निगेटिव रहेगी. और निगेटिव होने के कारण मैं यहां लिखूंगा सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो. यहां पर भी क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल में पाई बाय टू इंक्लूड नहीं है इसलिए वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, हमेशा निगेटिव होगी. सो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो ऑन पाई बाय टू टू पाई. देयरफोर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन. शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एटीन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अब आप देखिए उसने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है इट मीन्स वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगी, सॉरी इक्वल टू जीरो भी होगी. वैल्यू इक्वल टू जीरो भी होगी क्योंकि उसने सिर्फ इंक्रीजिंग यूज किया है, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है. देखिए इसको कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि सबसे फर्स्ट जो हमें वैल्यू की जरूरत होती है वो होती है फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एटीन. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सो इट विल बी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, एंड आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर. एफ डैश एक्स की वैल्यू. अब आप देखिए यहां पर कि जब ये फंक्शन का स्लोप आया है जो हमने डेरिवेटिव निकाला है तो फंक्शन ऑफ आर, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर, यानी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं. तो क्या हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या कोई रियल नंबर्स में, क्या कोई रियल नंबर ऐसा है कि जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है.
और आप देखिए कि आप यहां रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रखोगे, यहां रियल नंबर की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, तो जब ये x माइनस टू कैलकुलेट होगा और वैल्यू अगर निगेटिव भी आई तो वो निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी ये जो x माइनस टू है, x माइनस टू का स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी r की किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करे उसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और 3 × पॉजिटिव वैल्यू f डैश x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और जब x इज इक्वल टू टू हम यहां पर रखेंगे तो 2 − 2 जीरो हो जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू जीरो भी होगी। x इज इक्वल टू टू पर फंक्शन की वैल्यू जीरो भी होगी, ठीक है। सो हम यहां पर लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू टू एफ डैश x इज इक्वल टू जीरो। एंड फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू टू, x जब टू के इक्वल नहीं है उन सभी के लिए एफ डैश x जो होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। तो जब ये दोनों कंडीशन आ रही है सभी वैल्यूज के लिए, सो हम फाइनली लिखेंगे देयर फोर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, देयर फोर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके,